पब्लिक स्कूल के माध्यम से क्षेत्र के लगभग 50 से ज़्यादा गांवों के विद्यार्थियों को आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है तथा ट्रस्ट द्वारा इस समाज सेवा के जरिए विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का भी प्रयत्न हो रहा है। ये प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है। हमारे संतों ने समाज को हमेशा समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया है। मैं आज यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों से एक और निवेदन करना चाहूँगा। शिक्षा जगत के विराट पुरुष पंडित मदन मोहन मालवीय जी महाराज सेवा के साथ विद्यालयों में विद्यार्थियों के चारित्रिक विकास पर बहुत बल देते थे। किसी अवसर पर 1905 में उन्होंने कहा था कि व्यक्ति और समाज की उन्नति के लिए बौद्धिक विकास से भी अधिक महत्वपूर्ण है चारित्रिक विकास, ताकि शिक्षण संस्थान सिर्फ एक संस्था न होकर सुयोग्य सचरित्र नागरिकों की पौधशाला बन सके। इसलिए मैं मानता हूँ कि बच्चों और युवाओं को नए नए स्किल, नए इनोवेशन, नए रिसर्च के साथ संस्कार भी उतना ही महत्वपूर्ण है, वो भी मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर तथा देश के सपनों को हकीकत में तभी बदला जा सकता है। हमारे वेद उपनिषद शिक्षा को आत्मानुभूत यानी ज्ञान, कर्म और योग का माध्यम मानते हैं। विद्या अमृत मश्नुते। अगर जम्मू कश्मीर को या देश को आत्मनिर्भर बनना है तो हमें ज्ञान, कर्म और योग की शक्ति से हर क्षेत्र में मौजूद असीम संभावनाओं को जमीन पर उतारना होगा, और इसका एकमात्र माध्यम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षक ही है। हम सभी को मिलकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा को देश के सभी विद्यालयों में, चाहे वो सरकारी हों या निजी क्षेत्र के विद्यालय हों, सामूहिक प्रतिबद्धता से पूरा करना चाहिए। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सभी विद्यालयों में साइंटिफिक टेम्पर विकसित करने, स्किल डेवलपमेंट के नए तकनीक विकसित करने पर काफ़ी बल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात पर भी बल दिया गया है कि तकनीक के साथ जीवन में इंटीग्रिटी, धैर्य तथा व्यक्तित्व में अखंडता होना ये बड़ा आवश्यक है, और हमारा प्रयास होना चाहिए कि इसके साथ ही विद्यार्थियों में नए विचार की शक्ति भी जागृत हो।